लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम की ब्रिटेन में प्रॉपर्टी जब्त होने की खबर है। रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि दाऊद ने अपनी प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा उसके दामाद जुनैद और बेटी माहरुख के नाम कर रखा है। माहरुख दाऊद की सबसे बड़ी बेटी है, जिसकी शादी पाकिस्तान के मशहूर पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद से हुई है। दाऊद की बाकी फैमिली मेंबर की तरह माहरुख के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसकी शादी ने मीडिया में बहुत सुर्खियां बटोरी थी। माहरुख का वलीमा 2006 में दुबई के ग्रैंड हयात होटल में हुआ था, जिस पर पूरी दुनिया की नज़र थी, लेकिन दाऊद इसमें शामिल नहीं हुआ था। इस शादी में करीब 500 गेस्ट शामिल हुए थे। हालांकि ये पता नहीं चला था कि कौन इसमें शामिल हुआ था और कौन नहीं। उस वक्त ग्रैंड हयात होटल की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, होटल स्टाफ के मुंह बंद थे और जिस बेनियास बलरूम में खास डिनर रखा गया था, वहां किसी भी बाहरी के आने जाने की मनाही थी। शादी के दौरान ड्यूटी में लगाए गए सिक्योरिटी अफसरों ने जर्नलिस्ट और फोटोग्राफर्स को मुख्य जगह से दूरी बनाए रखने को कहा गया था। माहरुख चार भाई बहनों में सबसे बड़ी है। भाई मोइन की शादी लंदन बेस्ड बिजनेसमैन की बेटी से 2011 में हुई थी। दाऊद के पास यूएई में ही कई हजार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, जिसका बड़ा हिस्सा उसके दामाद जुनैद और बेटी माहरुख के नाम पर है। एक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में डॉल्फिन कंस्ट्रक्शन, ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस, किंग वीडियो और मोइन गारमेंट्स नाम की कंपनियां उसके नाम है। इन सारी कंपनियों की देखरेख डी कंपनी के लोग ही करते हैं। इसके अलावा वे हल नूर डायमंड्स, ओएसएस पावर, एलसीसी